आजकल जो जाति पूछने को लेकर एक विवाद हुआ, नहीं नहीं जाति उन्होंने नहीं पूछा, जिनको जाति पता नहीं है वो जाति गणना का बात कर रहे हैं, और किसी का नाम भी नहीं बोला था, तो अपने आप में क्यों लेना चाहिए। तो अनुराग जी ने वो तो ऑन द फ्लोर इटसेल्फ उन्होंने क्लैरिफाई किया है, और इनको बहाना चाहिए। और देखो द इंटेंशन इज टू डाइवर्ट द इशू, पंडित नेहरू जी से लेके इंदिरा गांधी जी से लेके राजीव गांधी जी तक एवरीबडी हैज अपोज्ड रिजर्वेशन फॉर ओबीसी। ओबीसी जो कमीशन था वो कमीशन बचाने के लिए इनकार किया, रिजेक्ट किया, इट वाज जस्ट रिजेक्टेड। ये सब रिजेक्ट करने के बाद इनको अभी ओबीसी ऑफिसर नहीं दिखता है, तो अब ओबीसी ऑफिसर अगर मंडल कमीशन का ये रिजेक्ट न करते तो काका कालेलकर कमिटी को उन्होंने स्वीकारते है तो आज के स्थिति ऐसे नहीं बनते थे ना, बहुत सेक्रेटरी बन जाते थे आज के दिन में। तो सेक्रेटरी अगर नहीं है तो, एडिशनल सेक्रेटरी अगर नहीं है तो जिम्मेदार हम नहीं, अभी हमने किया है, अभी चार पांच वर्ष में अभी बहुत सेक्रेटरी आएगा, क्योंकि हमारा पार्टी का एससी एसटी ओबीसी के लिए हम एक क्रोकोडाइल टीयर्स हम नहीं दिखाते, हम तो वी आर रियली कंसर्न्ड अबाउट द वीकर सेक्शन, एंड हमने तो किया है इसलिए आ जाएंगे, लेकिन जो नहीं आए हैं जिम्मेदार वो है, वो डाइवर्ट करने के लिए ये छोटे छोटे चीज थोड़ा ज्यादा राइज करके इसको डाइवर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम जनता में भी हम जाएंगे कि बताएंगे कि ये लोग आपको अन्याय किया है। जाति का सवाल कोई नया नहीं है, जाति का सवाल बहुत पुराना है। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता हूं, आप हमारे वो साथी हैं जो हर एक पे नजर रखते हैं, और एक समय ऐसा आया था उत्तर प्रदेश के सदन में जहां शूद्र को लेकर के बहुत सी चर्चा शुरू हो गई थी, और मुझे याद है कि मैं जब मंदिर के दर्शन करने गया तो कुछ ऐसी ताकतें हैं समाज में, वो नहीं चाहते थे कि मैं हवन पूजन करूं। मैं आपसे कहूंगा साथियों कि वो जानने की कोशिश आप करना कि वो कौन सी ताकतें हैं समाज की जो किसी को पूजा पाठ के लिए हवन के लिए उस समय रोक रही थी। और बहुत दिन मैं भूल नहीं सकता हूं जिस दिन मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया था। मुझे कोई आज समझा दे, कोई जागरूक समझदार इंसान मुझे समझा दे कि किसी मुख्यमंत्री के घर को गंगा जल से कैसे साफ किया जा सकता है। मैंने लोकसभा के चुनाव में मैनपुरी में देखा कि बहुत सारे लोगों ने प्रतिमा को धोया था। अगर ये सब बातें मैं भूल जाऊं एक बार को, लेकिन उसके बाद मैं कन्नौज में उस मंदिर में गया था जिस मंदिर में जाकर के पहली बार मैं चुनाव जीता था, और मेरे वहां आने के बाद मंदिर धोया गया था। सोचिए, आप कल्पना कर सकते हो, जब आप चंद्रमा में जाना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हो, डिजिटल इंडिया की बात हो रही हो, विश्व गुरु, अमृतकाल, विकसित भारत, और आप गंगा जल से धोएंगे मंदिर को। सवाल अगर ये हट जाए एक बार को, और जो सदन का सवाल है, क्या बीजेपी कांग्रेस पार्टी के नेता या किसी भी व्यक्ति की जात पूछ सकती है? हम और आप लोग कभी व्यवहारिक मजाक करते हैं तो उसमें चलो एक बार को कोई बात मजाक में चली जाए, लेकिन सदन में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ था, मुझे तो ये लगता है अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि 99 बार गाली खाकर गया हो आप सदन में, तब आप मंत्री बनोगे।